दोस्तों मैंने तो अपने सारे फ़ोन क्लीन कर लिए, क्या आपने किए बताना मुझे कमेंट्स में। आज हम बात करेंगे कुछ गरम गरम टॉपिक्स के बारे में जो कि आपको बहुत ही पसंद आने वाले हैं। यहाँ पर मुझे आपके काफ़ी सारे कमेंट्स मिल रहे हैं कि चाइनीज़ प्रोडक्ट को प्रमोट मत करो, तो इसका भी आंसर आज मैं आपको देने वाला हूँ। हम एक फ़ोन का क्विक रिव्यू करेंगे और हम देखेंगे अगर हमें वो चाइनीज़ फ़ोन परचेज़ नहीं करना तो उसके अलावा हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं उस प्राइस सेगमेंट में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हमारा पहला अपडेट है माइक्रोमैक्स की तरफ से। माइक्रोमैक्स दोस्तों इंडियन ब्रांड होने का पूरा फ़ायदा इस टाइम पे उठा सकते हैं अगर वो उठाना चाहे तो। सुनने में ये आ रहा है माइक्रोमैक्स के आपको तीन फ़ोन देखने को मिलेंगे, वो तीनों ही वो रहेंगे अपने प्राइस पे सुपर वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन। बाकी अभी ये सुनने में ही आ रहा है, एक्चुअल में क्या निकल के आता है उसके लिए हमें अभी वेट करना पड़ेगा। क्या पता वही मिल जाए आपको फिर से मिराटेक क्लियो P22। देखते हैं क्या निकल के आते हैं आने वाले टाइम में। बाकी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जो भी फ़ोन आएगा माइक्रोमैक्स का वो पूरी टक्कर देगा चाइनीज़ स्मार्टफोन्स को जो कि आपको मिल रहे हैं मिड रेंज सेगमेंट में। मतलब तीन फ़ोन आएंगे तीन प्राइस सेगमेंट के अंदर, 7-8 हज़ार की रेंज में, 10 हज़ार की रेंज में और 10 से लेकर 15 हज़ार के बीच में, ऐसे कुछ तीन फ़ोन आपको देखने को मिल सकते हैं। अब अगर माइक्रोमैक्स अच्छी प्राइसिंग पे फ़ोन को ले आता है अच्छे फीचर्स के साथ तो मैं कहूँगा मार्केट में तहलका मच सकता है, क्योंकि जो बाकी ब्रांड्स हैं वो प्राइसिंग को बेमतलब का बढ़ाए जा रहे हैं। जैसे कि Redmi Note 9 Pro Max, आप सब जानते हैं 15 हज़ार का ये फ़ोन लॉन्च हुआ था, बट फिर GST बढ़ा और इसका प्राइस हो गया 16,500 जो कि काफ़ी ज़्यादा था। अब इसका प्राइस हो चुका है 17,500 रुपये और बढ़ चुका है Redmi Note 9 Pro Max का प्राइस। मुझे समझ नहीं आ रहा इस तरह से प्राइसिंग को क्यों बढ़ाया जा रहा है जबकि इतना GST नहीं बढ़ा है जितना कि प्राइसिंग बढ़ गई है स्मार्टफोन्स की। तो ऐसे में सभी ब्रांड्स को एक टक्कर मिलना इस टाइम पे बहुत ही ज़रूरी है, और वो टक्कर अगर इंडियन ब्रांड दे दे तब तो बात ही कुछ और हो जाएगी। उसके बाद रियलमी की तरफ से ऐसा अपडेट है जिससे आपको थोड़ी सी निराशा हो सकती है, क्योंकि अभी तक हमें लग रहा था जो रियलमी X3 है वो आएगा स्नैपड्रैगन 765G के साथ, तो चाइना में रियलमी X50, X50M में उनको लॉन्च किया जाएगा रियलमी X3 के नाम से। बट अब कुछ और ही सामने निकल के आ रहा है, फ्लिपकार्ट पे एक ये बैनर सामने आया निकल के, इसमें आप साफ देख सकते हैं स्नैपड्रैगन 855+। मतलब ये देखकर लग रहा है कि जो दोनों फ़ोन रहेंगे रियलमी के, रियलमी X3 और रियलमी X3 सुपर जूम, दोनों में आपको मिलेगा सेम प्रोसेसर, बस यहाँ पर डिफरेंस रहेगा जूम का, कोई 5G वगैरह आपको देखने को नहीं मिलने वाला। देखो यार मुझे ये दिक्कत नहीं है कि 5G आपको नहीं मिलेगा, बस मुझे ये चाहिए प्राइसिंग इन फ़ोन की अच्छी हो, क्योंकि अगर यहाँ पर होगा स्नैपड्रैगन 855+ तो मेरे अकॉर्डिंग जो प्राइसिंग है इन फ़ोन की वो जाएगी 25-30 हज़ार की आसपास की रेंज में। तो फिलहाल आपको शायद रियलमी का 20-22 हज़ार की रेंज में कोई फ़ोन अभी देखने को ना मिले, इसके लिए भी आपको थोड़ा और वेट करना पड़ेगा। कितना वेट इसको लेकर अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है, आएगा जरूर एक फ़ोन स्नैपड्रैगन 765G के साथ, देखते हैं कब वो लॉन्च किया जाता है। फिलहाल अगर इन दोनों फ़ोन की हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको मिलेगा 120Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले, तो ये तो कमाल की बात है, लेकिन एमोलेड होगा या नहीं होगा इसको लेकर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। उम्मीद ये है कि यहाँ पर आपको एमोलेड डिस्प्ले देखने को नहीं मिलेगा रियलमी X3 में, तभी उसका प्राइस वो थोड़ा कम रख सकते हैं। बाकी देखते हैं क्या निकल के आता है 25 जून को, थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा, बस आपको सब क्लियर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको दो चीज़ें बतानी थी। पहली चीज़, सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 लाइट, इस फ़ोन का परमानेंट प्राइस कट हो चुका है, अब ये फ़ोन आपको 38,000 की रेंज में मिल जाएगा और साथ में बैंक ऑफर लगाकर अब अच्छा खासा एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी ले सकते हैं। तो ये फ़ोन इस प्राइस में कहूँगा बिना किसी डाउट के आप परचेज़ कर सकते हैं। कैमरा इस फ़ोन का टॉप क्लास का मुझे लगता है, अगर आप इस फ़ोन की अलग से वीडियो देखना चाहते हैं तो प्रपोल में आप मुझे बता सकते हैं। दूसरी बात यह है आपके लिए, इस चैनल पे स्मार्टफोन का न्यू गिव अवे स्टार्ट हो चुका है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा मैं, जल्दी से जाकर आप पार्टिसिपेट कर लो अगर आपने अभी तक नहीं किया तो। बाकी फ्लिपकार्ट पे आप जानते हैं 23 जून से सेल स्टार्ट होने वाली है, आपके कोई भी क्वेश्चंस हो सेल को लेकर मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, मैं जल्दी आपके लिए सेल वाली वीडियो लाने वाला हूँ जहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कौन से फ़ोन आपको लेने हैं और कौन से इग्नोर करने हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, साथ में सब्सक्राइब भी कर लो अगर आपने अभी तक नहीं किया तो, क्योंकि आपके लिए ऐसे बहुत सारे सरप्राइज आने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अगला अपडेट है मोटोरोला की तरफ से। मोटो वन फ्यूजन प्लस, आप सब जानते हैं अपने प्राइस पे टॉप क्लास का ही फ़ोन है,
मार्केट में इसने तहलका मचा दिया जब से ये फ़ोन लॉन्च हुआ है। अब आपको इस फ़ोन का एक छोटा भाई भी देखने को मिल सकता है। इसकी कुछ ये डिटेल सामने निकल के आ चुकी है। यहाँ पर आपको मिल सकता है स्नैपड्रैगन 710 और सुनने में ये आ रहा है कि ये फ़ोन इंडिया में बहुत ही एग्रेसिव प्राइस पर लॉन्च किया जाएगा। मतलब जैसे 15 से लेकर 20,000 में काफ़ी अच्छा ऑप्शन बन चुका है मोटो वन फ्यूजन प्लस, ऐसे ही 10, 12, 13 इसके बीच में एक अच्छा ऑप्शन बन के निकल सकता है मोटो वन फ्यूजन स्नैपड्रैगन 710 के साथ। बाकी कब तक ही आएगा इसको लेकर अभी कुछ भी क्लियर नहीं है, लेकिन फ़ोन ही आपको देखने को ज़रूर से मिलेगा। चलिए अब टाइम आ चुका है एक क्विक रिव्यू का। यह दोस्तों OnePlus 8 Pro। OnePlus ने यहाँ पर पूरी कोशिश की है इस फ़ोन में आपको सब कुछ फिट करके देने की, मतलब कहीं पर भी आपको कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े। बट क्या OnePlus इसमें पास हो पाया? नहीं हो पाया दोस्तों। यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, इतना पे करने के बाद भी। इस फ़ोन का प्राइस है 55,000, लेकिन उस प्राइस के हिसाब से कुछ चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं है। अगर मैं बात करता हूँ इसके कैमरा के बारे में, तो पहला पॉइंट तो यही है, यहाँ पर इसका कैमरा मुझे उतना इंप्रेसिव नहीं लगा जितना कि इस प्राइस पे होना चाहिए था 55,000 में। रियर में क्वाड कैमरा सेटअप है, प्राइमरी कैमरा है 48 मेगापिक्सल का सोनी IMX689 सेंसर के साथ। अब यहाँ पर मैं लगाता नया सेंसर है तो क्वालिटी हमें नेक्स्ट लेवल की देखने को मिलेगी, बट ऐसा नहीं हुआ। सेकंड कैमरा है 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो जूम लेंस। थर्ड आपको मिलता है 48 मेगापिक्सल का ही अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस। और फोर्थ है 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग कैमरा। फ्रंट में आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का सेंसर। मुझे लगा था इसका जो कैमरा है वो हमें मिलेगा बिल्कुल एक फ्लैगशिप वाला कैमरा जिसको देखकर दुनिया हिल जाएगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कैमरा यहाँ पर मिल रहा है हमें फ्लैगशिप किलर वाले टाइप का, मतलब कि 30-35 हज़ार की रेंज के आसपास का कैमरा यहाँ पर हमें मिल रहा है। बट इसका जो प्राइस है वो है बिल्कुल एक फ्लैगशिप फ़ोन वाला 55,000। 55,000 में 30-35 हज़ार वाला कैमरा हमें देखने को मिल रहा है। बाकी देखते हैं कब इसको इम्प्रूव किया जाता है OTA अपडेट की मदद से, उसका हमें वेट करना होगा। हाँ, कैमरा के अलावा इसकी बिल्ड क्वालिटी मुझे बहुत ही अच्छी लगी है। हाथ में लेकर ये फ़ोन आपको बहुत ही प्रीमियम फील होगा, कोई इससे आपको दिक्कत नहीं आने वाली। बिल्ड क्वालिटी इसकी प्राइस के हिसाब से जस्टिफाई है, ये मैं आपको बोल सकता हूँ। लेकिन जो इसका कैमरा मॉड्यूल है ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, काफ़ी ज़्यादा ये बाहर की तरफ निकला हुआ है, जैसे कि ये आप देख सकते हैं। अगर आप ये यूज़ करते हैं बिना बैक कवर के तो ये आपको बहुत ही इरीटेट करने वाला है, हर टाइम ये आपको हाथ में फील होगा। और जब आप इसको इस तरह से टेबल पे रखेंगे तो इसके कैमरा लेंस पे स्क्रैचेज आने का पूरा चांस है, तो इसकी आपको थोड़ी एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ेगी। बिना बैक कवर के आप इसको यूज़ मत कीजिएगा। एक तो कैमरा काफ़ी बाहर है, दूसरा ये फ़ोन काफ़ी ज़्यादा स्लिपरी है, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपके हाथ से फ़ोन ये स्लिप हो गया, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अब अगर मैं बात करता हूँ डिस्प्ले के बारे में, तो डिस्प्ले इस फ़ोन का नेक्स्ट लेवल का आपको मिलता है। क्वाड HD वाला डिस्प्ले है 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ, तो डिस्प्ले की क्वालिटी यहाँ पर टॉप क्लास की है। आपको ये यूज़ करने का मज़ा आने वाला है, कोई आपको इससे शिकायत नहीं होने वाली। और आपको ये मिलता है 5.5 इंच डिस्प्ले, सुपर एमोलेड डिस्प्ले आपको यहाँ पर मिल रहा है, और इसकी एमोलेड की क्वालिटी भी मुझे ठीक लग रही है। अगर आप साइड से भी देखते हैं तो कोई भी आपको कलर शिफ्ट यहाँ पर देखने को नहीं मिलता, और HDR कंटेंट भी आप यहाँ पर स्ट्रीम कर सकते हैं। कर्व डिस्प्ले है यहाँ पर जो कि इस फ़ोन को और भी प्रीमियम बना रहे हैं। साथ में इसका इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस अनलॉक दोनों ही बहुत फास्ट हैं। उसके बाद अगर हम बैटरी देखते हैं तो यहाँ पर है 4500 mAh की बैटरी, जिससे मैं बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं हुआ, क्योंकि बैटरी बैकअप यहाँ पर हमें उतना अच्छा देखने को नहीं मिल रहा जितनी कि इसकी ऑन पेपर हमें बैटरी दिख रही है। अगर आप इसको यूज़ करते हैं क्वाड HD प्लस और 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ, तो बैटरी आपकी कैसे ख़त्म होगी आपको पता भी नहीं चलेगा, तो बैटरी को यहाँ पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। हाँ, चार्जिंग यहाँ पर काफ़ी फास्ट है, 30W की चार्जिंग आपको यहाँ पर मिल रही है। इसके अलावा वायरलेस चार्जिंग को ये फ़ोन सपोर्ट करता है, ये एक बहुत अच्छी बात है। फास्ट वायरलेस चार्जिंग आप इस फ़ोन से कर पाएंगे, और साथ में इस फ़ोन को यूज़ करके आप किसी और फ़ोन को भी वायरलेसली चार्ज कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, मतलब रिवर्स वायरलेस चार्जिंग का भी यहाँ पर ऑप्शन है। साथ में IP रेटिंग भी आपको यहाँ पर मिल रही है, अगर आपका फ़ोन पानी में भीग जाता है तो भी आपके फ़ोन को कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब अगर हम बात करते हैं परफॉर्मेंस के बारे में, तो आप सब जानते हैं यहाँ पर हमें मिल रहा है स्नैपड्रैगन 865, साथ में ऑक्सीजन OS, उसके साथ में 120Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले। इन सब का जो कॉम्बिनेशन है दोस्तों वो कमाल का है। ऑक्सीजन OS की परफॉर्मेंस यहाँ पर हमें बहुत ही अच्छी देखने को मिल रही है, स्मूथनेस की यहाँ पर कोई कमी नहीं है। और मुझे अच्छी बात लगी है आपको यहाँ पर 240Hz का टच सैम्पलिंग रेट भी मिलता है,
तो टच रिस्पॉन्स यहाँ पर कमाल का है, मतलब टच करते ही आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। तो ऐसे में जब आप इस फ़ोन में गेमिंग करोगे तब आपको ज़बरदस्त वाला एक्सपीरियंस हो जाएगा। साथ में 5G का भी सपोर्ट आपको इसमें देखने को मिल रहा है, जब इंडिया में 5G आएगा तो आप यहाँ पर यूज़ कर पाएंगे। एक बात और मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा, इसमें आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन नहीं मिल रहा, एम्बिएंट डिस्प्ले आपको मिलता है यहाँ पर। अगर आप स्क्रीन पे इस तरह से टैप करोगे तब आपको डिस्प्ले शो हो जाएगा, या आप फ़ोन को इस तरह से पिक करोगे तभी आप डिस्प्ले को देख पाओगे। साउंड क्वालिटी यहाँ पर ज़बरदस्त है, स्टीरियो स्पीकर्स आपको यहाँ पर मिल रहे हैं, लेकिन हेडफोन जैक यहाँ पर नहीं है। अब मैं आपका यहाँ पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मैं इसको क्विक रिव्यू की तरह ही रखना चाहूँगा। अगर आप देखते हैं OnePlus 8 Pro 55,000 के हिसाब से, तो कैमरा यहाँ पर हमें उतना अच्छा नहीं मिल रहा। अगर हम किसी फ़ोन के लिए इतना पे कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि हमें उसका कैमरा काफ़ी अच्छा देखने को मिले। फ्रंट और रियर दोनों कैमरा यहाँ पर मुझे उतने पसंद नहीं आए, खासकर इसका पोर्ट्रेट मोड उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। इसके अलावा अगर मैं लो लाइट की बात करता हूँ तो वहाँ पर भी ये स्ट्रगल करता है। तो कैमरा आपकी प्रायोरिटी है तब आप इस फ़ोन को भूल जाइए। अगर आपको इसके कैमरा से वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है तब आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसकी वीडियो क्वालिटी मुझे बहुत ही इंप्रेसिव लगी है। भाई कैमरा और बैटरी के अलावा बाकी चीज़ें इस फ़ोन की मुझे बहुत ही पसंद आई हैं। तो आप देख सकते हैं आपकी प्रायोरिटी क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको ये फ़ोन परचेज करना है या फिर नहीं करना। अगर आप फ्लैगशिप फ़ोन परचेज तो करना चाहते हैं लेकिन आपको चाइनीज़ फ़ोन परचेज नहीं करना, तो आपके पास एसस, एलजी, गूगल, नोकिया, सैमसंग ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि एलजी का आप जानते हैं हमें कोई इस साल का फ्लैगशिप फ़ोन अभी देखने को नहीं मिला इंडिया में। एसस के लीक्स आ रहे हैं, जल्दी आपको एसस 7Z और ROG 3 देखने को मिलने वाला है स्नैपड्रैगन 865 के साथ। एक तो उसका आप वेट कर सकते हैं अगर आपको वेट करना है तो। अब अगर हम गूगल की बात करते हैं तो गूगल की पिक्सल सीरीज़ का फ़ोन स्नैपड्रैगन 865 के साथ, इसका भी आप वेट कर सकते हैं, कुछ टाइम में ये आपको देखने को मिल जाएगा। साथ में नोकिया भी लाइन में लगा हुआ है, बट नोकिया बहुत ही कम इंडिया में फ़ोन लॉन्च कर रहे हैं आजकल, जो फ़ोन लॉन्च कर रहे हैं वो उतने ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है। तो देखते हैं नोकिया का फ्लैगशिप फ़ोन हमें कब इंडिया में देखने को मिलेगा स्नैपड्रैगन 865 के साथ। अगर मैं अभी की बात करता हूँ तो अभी आपके पास सैमसंग का ही ऑप्शन अवेलेबल है, सैमसंग S20 सीरीज़ का। S20 आपको मिल जाएगा 70,000 की रेंज में, S20 प्लस 77-78 के आसपास आपको मिल जाएगा, ये आप देख सकते हैं। अभी इन पे कोई कैशबैक भी चल रहा है, अगर आप HDFC बैंक का कार्ड यूज़ करते हैं तो अच्छा खासा डिस्काउंट आप ले सकते हैं। यहाँ पर मैं कहूँगा फीचर्स की कमी नहीं है सैमसंग S20 सीरीज़ में भी, वायरलेस चार्जिंग वगैरह सब कुछ यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा है। स्क्रीन भी टॉप क्लास की है, 120Hz रिफ्रेश रेट वाली। बस यह है कि इसमें है एक्जीनोस का प्रोसेसर, जो इस साल का फ्लैगशिप प्रोसेसर है सैमसंग की तरफ से। स्नैपड्रैगन 865 आपको यहाँ पर नहीं मिल रहा है इंडियन वेरिएंट में। अगर आपको स्नैपड्रैगन 865 ही चाहिए और सैमसंग का फ़ोन चाहिए तब आपको वेट करना होगा सैमसंग गलेक्सी S20 लाइट का, ये फ़ोन आपको कुछ टाइम में इंडिया में देखने को मिल जाएगा 45-50,000 की रेंज में, तो उसका आप वेट कर सकते हैं। अब आप बताओ मुझे कमेंट्स में आपको OnePlus 8 Pro कैसा लगा। मुझे ये फ़ोन वैसे काफ़ी अच्छा लगा, थोड़ी बहुत कमियां जो हैं इसमें अगर वो ठीक हो जाएं तब मैं कहूँगा बात बन सकती है। आपको कैसा लगा बताना मुझे कमेंट्स में। आप 55,000 में OnePlus 8 Pro के साथ जाएंगे या फिर आप जाएंगे सैमसंग या एप्पल के साथ बताना मुझे कमेंट्स में। मुझे उम्मीद है आपको कुछ हेल्प मिली होगी आज की वीडियो से, अगर आपको हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। Thanks for watching this video.